मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, हाउ कैन सच ए पर्सन बिकम ए टीचर हुज एकेडमिक मार्क्स इज लो। और जिस राज्य का शिक्षक चाय बेचेगा उस राज्य का तो कभी भी नहीं विकास करेगा, ये और भी लिख करके ले लीजिएगा, उस पर 100% गारंटी का मुहर ठप्पा मार दीजिएगा। ये सिस्टम का मारा हूँ मैं बिहार गवर्नमेंट का, और मेरे एकेडमिक मार्क्स कम के कारण आई कुड नॉट बिकम अ टीचर ड्यू टू लो एकेडमिक मार्क्स इन सिक्स फेज टीचर रिक्रूटमेंट। आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है? सर ग्रेजुएशन हूँ और विथ बीएड एंड आई क्वालिफाइड सीटेट बोथ पेपर 1 and 2। अच्छा। अलोंग विथ एसटीटी 2019 सर। और 1 to 5 पास किए हैं? 1 to 5, 6 to 8 एंड 9 10, तीन टेट क्वालिफाइड हूँ। तीन टेट क्वालिफाइड हैं, चाय बेच रहे हैं, बाकी सिक्स फेज का एप्लीकेंट भी रहा मैं। जॉब विद साइलेंस प्रोटेस्ट कह सकते हैं इसको। जॉब विद साइलेंस आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अवनीश शरण सर हमारे मैट्रिकुलेशन में मात्र 3rd division है, यदि मैट्रिकुलेशन के बेस पे होती तो शायद अवनीश कुमार शरण जो कि देश का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम क्वालिफाई हैं, वो शिक्षक भी नहीं बन पाते यहाँ, क्योंकि यहाँ शिक्षक की बहाली एकेडमिक मार्क्स पे होती है। आपने देखा ना बिहार में किस तरह के टॉपर होते हैं। सिस्टम के खिलाफ मुझे आवाज़ उठाना है कि आपने जो ये टीचर सिलेक्शन प्रोसेस एक गलत है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। राज्य तब तक विकास नहीं करेगी जब तक वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा। हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये चाय वाला का पोस्टर है, यहाँ पर वेलकम टू यू @TET चाय वाला। हम भी आपको वेलकम कर रहे हैं इस बिहार में और इस रेबल न्यूज़ इंडिया पर, लेकिन उससे पहले आपको ये चाय वाला वेलकम कर रहा है @TET क्वालिफाइड चाय वाला के पास। इसमें ये पोस्टर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चाय वाला का स्टॉल है, यहाँ पर IAS ऑफिसर हैं, उनका यहाँ पर एक पोस्टर, उनका यहाँ पर फ़ोटो लगाया हुआ है, उनका नाम है अवनीश कुमार शरण, ये जो है मैट्रिक में 3rd division से पास थे। और यहाँ पर कमेंट क्या किया गया है आप थोड़ा इससे एक बार बढ़िया से दिखा दीजिए। You have qualified UPSC but you do not have the merit to become teacher in Bihar government। ये कौन कमेंट कर रहे हैं? ये माननीय नीतीश कुमार जी कमेंट कर रहे हैं। ये भाई साहब राजकिशोर जी, राजकिशोर वर्मा यहाँ लिखे हैं अपने पोस्टर में। ये नीतीश कुमार जी इन ये अविनाश शरण जी को कह रहा है कि यू हैव क्वालिफाइड UPSC बट यू डो नॉट हैव मेरिट टू बी टीचर इन बिहार। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो है राजकिशोर जी का यहाँ पर चाय स्टॉल है और राजकिशोर जी यहाँ पर चाय बेच रहे हैं। उनको ट्वीट भी एक आदमी किया है अवनीश जी को, जो आप तो IAS ऑफिसर हैं लेकिन आपका जो नाम यहाँ पर यूज किया गया टी स्टॉल पर, तो अविनाश जी जो है ट्वीट करके उन्होंने भी कहा है कि आएंगे जरूर चाय पियेंगे इस टी स्टॉल पर। TET आप तो जानते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब बिहार में एक मजाक ही है, TET सब पास कर लेते हैं, सब टीचर एलिजिबिलिटी पास कर लेते हैं, 1 2 3 तीन TET पास किए हैं, तीन जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये पास करके आए हैं और उसके बाद चाय बना रहे हैं। समझिए जिस राज्य की, मैं भी कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ, जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी वो राज्य कभी विकास नहीं करेगा, ये लिख करके ले लीजिएगा। और जिस राज्य का शिक्षक चाय बेचेगा उस राज्य का तो कभी भी नहीं विकास करेगा, ये और भी लिख करके ले लीजिएगा, उस पर 100% गारंटी का मुहर ठप्पा मार दीजिएगा। बाकी हमारे साथ राजकिशोर जी हैं, राजकिशोर वर्मा जी से जान लेते हैं आखिरकार ये कब से बेच रहे हैं और कब से जो है ये शिक्षक बनने का तैयारी कर रहे थे। राजकिशोर जी कब से तैयारी कर रहे थे आप शिक्षक बनने का? हाँ सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टॉल पे। आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपको स्वागत करता दूसरे रूप में, एक शिक्षक के रूप में स्वागत करता, लेकिन सरकार की मजबूरी क्या कहें, आपको चाय वाले के रूप में आपको स्वागत करना पड़ रहा है। ये सिस्टम का मारा हूँ मैं बिहार गवर्नमेंट का। अच्छा। बिहार गवर्नमेंट में शिक्षक एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होती है सर। अच्छा। और मेरे एकेडमिक मार्क्स कम के कारण आई कुड नॉट बिकम अ टीचर ड्यू टू लो एकेडमिक मार्क्स इन सिक्स फेज टीचर रिक्रूटमेंट। अच्छा, मतलब छठे चरण में जो है आप शिक्षक की तैयारी कर रहे थे और उसमें मैं उसमें एप्लीकेंट था सर। एप्लीकेंट थे आप? हाँ, मैं उसमें अभ्यर्थी था और अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया जी। मतलब ये ड्यू टू लो एकेडमिक मार्क, यस सर, 10th 12th में कम था। बिहार में देखिए शिक्षक बनने के लिए आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट,
इस सब को जब जोड़ दीजिएगा और बीएड का साथ साथ ग्रेजुएशन का जब जोड़ दीजिएगा तो उसका एवरेज निकाला जाता है। और जानते ही हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना अच्छा है। रूबी राइट टॉपर बनती है और जब टॉपर से जब मीडिया वाला सवाल करता है जो होम साइंस में क्या चीज़ आता है तो कुछ से कुछ उल जलूल सवाल जवाब देती है। यहाँ का टॉपर की सिचुएशन बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी शिक्षा व्यवस्था में अपना हाथ भी धो लेते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी शिक्षा व्यवस्था में अच्छे लिखे पढ़े लिखे होने के कारण भी नहीं पास कर पाते। चाय गरमा रहे हैं, आप देख सकते हैं चाय भी बेच रहे हैं। अब क्या करिए, क्या करेंगे, अब जो है ज़िंदगी और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कह सकते हैं, यहाँ की सरकार की आप कह सकते हैं रवैया कह सकते हैं, रवैया ने इनको ऐसा मजबूर बना दिया कि ये चाय बेच रहे हैं। बाकी शिक्षक हैं, हमको ये बताइए राजकुमार जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है? क्योंकि वो जब तक, हाँ सर, ग्रेजुएशन हूँ और विथ बीएड एंड आई क्वालिफाइड सीटेट बोथ पेपर 1 और 2। अच्छा, एलोंग विथ एसटीटी 2019 सर। अच्छा 2019, हाँ वो भी क्वालिफाइड हूँ और सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई हूँ। मतलब आप ग्रेजुएट हैं, बीएड पास हैं और 1 to 5 पास किए हैं? 1 to 5, 6 to 8 एंड 9 to 10, तीन टेट क्वालिफाइड हैं। तीन टेट क्वालिफाइड हैं, चाय बेच रहे हैं। बाकी सिक्स फेज का एप्लीकेंट भी रहा मैं। सिक्स फेज का एप्लीकेंट रहे हैं, तीन जो है टेट पास किए हैं, 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10, ये तीनों पास करके आए हैं और यहाँ पर आज टी स्टॉल लगाए हैं। लगाने दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे शिक्षक की स्थिति कैसी है बिहार में, ये आप जान लीजिए। नीतीश कुमार तो जानते ही हैं लेकिन आप लोग भी जान लीजिए कि हमारे शिक्षक जो है आज बिहार में कैसे भटक रहे हैं और कैसे चाय स्टॉल चाय लगाने पर आज मजबूर हो गए हैं। अच्छा ये बताइए, बाकी इसका जो यहाँ पर इनकम आ रहा है उससे क्या संतुष्ट हैं? या देखिए, इफ यू सेल्स इन 10 rupees पर कैप देन इट इज़ नॉट सो मच प्रॉफिटेबल। अभी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है यदि आप 10 rupees पर कप बेचते हैं तो। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसको मैं पूरा डिस्क्लोज कर दूं, हाँ। आप 59 rupees पर लीटर सुधा गोल्ड दूध है। अच्छा, और क्वालिटी बेस्ड टीम यदि बनाते हैं तो 12 कप ज़्यादा बन पाएगा। अच्छा, यानी कि 5 rupees का दूध आ गया है एक कुल्हड़ में। अच्छा, 2 rupees का कुल्हड़ 7 rupees, उसके बाद और जोड़ लो आप। शिक्षक हैं, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मजबूत है आपका, होता पूरा जोड़ के रख लिए हैं, चीनी चाय पत्ती इलायची तक जोड़ लिए हैं आप लोग। हाँ, लेकिन हमको ये बताइए, एक शिक्षक हैं, बच्चे को पढ़ाते, अच्छा भविष्य बनाते, बिहार का तो ऐसा ही भविष्य सड़क पर भटक रहा है, आप देखते ही होंगे कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर चौपट हो गई है। सिस्टम सुधार तो सकता नहीं हूँ, पर मैं क्या कहूँ मैं। अच्छा, जब बीएड का आप तैयारी कर रहे थे या जब सीटेट पा ये आप जब टेट पास कर लिया, क्या सोच रहे होंगे जो अच्छा बन जाएंगे आप टीचर बन जाएंगे, यहाँ की स्थिति सुधारेंगे? हर कोई सोच अब... वही सोच के तो मैं पढ़ा था, एक टीचर सीटेट का प्रिपरेशन। अच्छा, वही सोच के किया था, पर मेरे भाग में नहीं था बनना, या भाग के कहें या फिर मैं तो सिस्टम का दोष दूंगा सर। कई लोग ये भी कहेंगे कि आप टीईटी नाम लिख करके पब्लिसिटी कमाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप क्यों किए फिर ये टीईटी का नाम उपयोग क्यों किए? 10 rupees एक चाय, 20 rupees टीईटी का उपयोग? देखिए, टीईटी का उपयोग करने आप तो बिल्कुल कह सकते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, वह इसमें किसी भी सच्चाई नहीं है। और होना भी चाहिए टीटी क्वालिफाइड कोचिंग वाला, उचित नाम होता है टीटी क्वालिफाइड फिजिक्स वाला, टीटी क्वालिफाइड इंग्लिश वाला, ये मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉपर होता है, क्योंकि ये टीचिंग टीचर एलिबिलिटी टेस्ट है, तो इसको शायद एजुकेशन फील्ड से ही जोड़ा जाता तो और अच्छा रहता। पर ये दुर्भाग्य था कि मुझे इस नाम से खोलना पड़ा और मुझे एक तरह से कहें तो प्रोटेस्ट भी करना है सरकार के खिलाफ। ये बताइए सर, जो शिक्षक जो हैं वर्षों से गर्दनी भाग में धरना दिए, इस माध्यम से मैं एक तरह से मैं सरकार के अगेंस्ट मैं विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ कि अब सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आप किसी को एक कहकर नहीं छाट दीजिए कि आपके पास एकेडमिक मार्क्स हैं कम है तो आप टीचर बनने लायक नहीं है। जब कोई बंदा कोई व्यक्ति 3 stage का टेट क्वालिफाई है 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10, और आफ्टर ऑल ही मतलब उसके बावजूद वह नहीं पढ़ाने लायक है, ये कैसे कह सकते हैं? अच्छा। तो इस टेट क्वालिफाइड चाय
एक तरह से कहिए वैसे सभी लो एकेडमिक मार्क्स होल्डर जो छठे चरण में नहीं बन पाए टीचर, चाहे और भी जो ऐसे व्यक्ति कुछ वैसे भी हैं जो बीएड या फिर डीएड करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके एकेडमिक मार्क्स कम है, वो सोचते हैं कि एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होगी तो हम तो मेरा पैसा झूठ मूठ के बर्बाद हो जाएगा। उन सभी का मैं एक तरह से कहिए तो मैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हूँ। अच्छा, और मतलब मैं जो लोग एलिजिबल हैं लेकिन लो एकेडमिक मार्क के कारण जो लोग इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए उनका आप एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर चाय वाला दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन, साइलेंस विथ जॉब विथ साइलेंस प्रोटेस्ट कह सकते हैं इसको, जॉब विथ साइलेंस आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको ये बताइए आपने जो अविनीश जी सरन का जो वहाँ पर फोटो यूज किया है, वो आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनका क्यों यहाँ पर इस्तेमाल किया है? उनका इसलिए यूज किया हूँ सर कि अविनीश सरन सर हमारे मैट्रिकुलेशन में मात्र थर्ड डिवीजन है। अच्छा। यदि मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट बेस पे यदि बिहार में शिक्षक की बहाली मान लिया सिर्फ मैट्रिकुलेशन बेस पे होती जैसा कि हो रहा है अभी हाल में एकेडमिक मार्क्स पे मैट्रिकुलेशन के अलावे, यदि मैट्रिकुलेशन के बेस पे होती तो शायद अविनीश कुमार सरन जो कि देश का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम क्वालिफाई है वो शिक्षक भी नहीं बन पाते यहाँ, क्योंकि यहाँ शिक्षक की बहाली एकेडमिक मार्क्स पे होती है। तो एक कहीं ना कहीं मैं इसको इस रूप में जोड़ रहा हूँ कि किसी की एकेडमिक मार्क्स जेन्युइन मार्क्स नहीं होती है सर, इसके बाद भी व्यक्ति आगे चल के इम्प्रूव कर सकता है और कुछ कर सकता है। मतलब आपका सवाल सिर्फ नियोजन प्रक्रिया पर है, ये जो नियोजन प्रक्रिया है इतना गलत है जिससे एक व्यक्ति जो है शिक्षित भी हो जाएगा अगर बाद में, या उसका एलिजिबल भी हो जाएगा तो फिर भी वो शिक्षक नहीं बन पाएगा क्योंकि उसका पास्ट का जो गलती रहेगा, चाहे जो भी कह सकते हैं यहाँ की डिग्रियाँ तो आप देखे ही हैं। हाँ, आपने देखा ना बिहार में किस तरह के टॉपर होते हैं, या फिर एकेडमिक मार्क्स पे बहाल शिक्षक के भी आपने देखा होगा बीच बीच में कैसे हैं शिक्षक हैं जिनको 5 वर्ड इंग्लिश या 5 वर्ड हिंदी का नहीं लिख पाएंगे। अच्छा। तो मुझे तो कहाँ ऐसा है कि एकेडमिक मार्क्स से सही टीचर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है राजकिशोर जी, हमको ये बताइए यहाँ पर गर्दनी बाग है पटना में, और गर्दनी बाग पर हमेशा शिक्षक प्रोटेस्ट करते, क्या आप भी कभी जाया करते थे? हाँ सर, हम लोग तो शामिल थे ही उसमें 6th phase के प्रोटेस्ट में, तो लाठी तो खाए होंगे उसमें? सब खाए, अब क्या करें, लाठी भी खाए हैं। यस सर। देखिए राजकिशोर जी चाय बेच रहे हैं और चाय यहाँ पर देखिए गर्मा रहे हैं एकदम, सुगंध तो बहुत आ रही है, लेकिन क्या कहूँ इसमें और तब सुगंध आता जब ये जाते और बच्चे को पढ़ाते, इस चाय से सुगंध नहीं लेनी थी इनसे, दूसरे कोई और भी व्यक्ति आते जो 10th pass होते, जो हो सकता है 10th नहीं भी पास होते, अनएजुकेटेड रहते, उसके लिए ये जॉब रहता। हाँ सर, अफसोस है थोड़ा सा, जरूर अफसोस है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने लाइफ का मोस्टली पार्ट्स एक्सपेंड कर दिया है वो भी टीचिंग लाइन में, एजुकेशन के फील्ड में। अच्छा। और तो थोड़ा सा अफसोस है कि, और मुझे सिस्टम के सिस्टम के खिलाफ मुझे आवाज़ उठाना है कि आपने जो ये टीचर सिलेक्शन प्रोसेस ये गलत है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। बाकी हमको ये बताइए जब आप बीएड कर रहे होंगे तब क्या सोच रहे थे? बीएड करने का सपना तो यही था कि शायद बिहार गवर्नमेंट में टीचर बन जाऊँ, और मैंने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किया है। अच्छा। इसके बावजूद भी नहीं बन पाया तो मतलब आप 1 to 5, 6 to 8 हाँ, 3, 9, 10 हाँ, तीनों स्टेज का मैं टेट पास हूँ और एलिजिबिलिटी रखता हूँ, और लेकिन मैं 6 आने वाला 7th phase क्या आने वाले 50th phase में भी नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मेरे एकेडमिक मार्क्स तो बढ़ेंगे नहीं, इसलिए मुझे मजबूरी बस ये काम करना पड़ा। मतलब सरकार की गलत रवैया ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आज आप चाय बेचने पर आ गए। यस सर, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी कभी नहीं टीचर बन पाऊँगा क्योंकि 7th phase आ जाए, 8th phase आ जाए, या फिर 9th phase आ जाए, 10th phase आ जाए, मेरे एकेडमिक मार्क्स तो वही रहेंगे। सही बात। और नए नए स्टूडेंट नए नए मार्क्स लेकर आएंगे, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, हाउ कैन सच ए पर्सन बिकम ए टीचर हुज एकेडमिक मार्क्स इज लो, जिसके एकेडमिक मार्क्स कम है वो कैसे शिक्षक बनेंगे? बाकी हाँ, आपसे लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक शिक्षक हैं, पहले भी पढ़ाते थे इससे, ये तैयार 6th phase से पहले भी पढ़ाते थे, तो हमको ये बताइए एक शिक्षक के रूप में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो आप अवगत है ही, पूरी तरह लचर है। लोग आपको ज़्यादा सुनेंगे अभी। हाँ, बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह लचर है, आप देख सकते हैं बीच बीच में सोशल मीडिया पे आते रहते हैं ऐसे ऐसे शिक्षक की बहाली है जिनको ज़्यादा मैं क्या कहूँ, उन्हें ठीक से ना तो पढ़ाने आता ना। आपने एक नालंदा का एक बच्चा सोनू, शायद उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था अपने टीचर के खिलाफ कि उन्हें इंग्लिश कुछ नहीं आती है। अच्छा।
तो एक एग्जाम्पल है, तो ऐसे ऐसे शिक्षक बहाल हैं, तो इसमें मुझे एक विशेष कहने की ज़रूरत नहीं, पूरा बिहार अवगत है, पूरा देश अवगत है कि बिहार में कैसे कैसे शिक्षक हैं। नीतीश कुमार जी शिक्षा मित्र लाए थे और शिक्षा मित्र से जो मुखिया को दे दिए थे राइट कि वो शिक्षक का बहाली करें, और ऐसा ऐसा शिक्षक बहाल कर लिए जो शायद नाम भी नहीं लिखना जानती थी, कि मुखिया को कुछ जानते ही हैं, गांव में कैसा होता है, इधर उधर हुआ बस उसका काम हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।